नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक नए टॉपिक पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। आज हमारा देश और देसी क्यों सारा विश्व एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से ये संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए आपको अभी और अभी से लेकर आने वाले कुछ समय तक कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, जीवन सबका है, जीवन सबके लिए अनमोल है, जीवन चलता रहना चाहिए, जीवन रुकने का नाम नहीं। पिछले कुछ दिनों से हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं। लॉकडाउन अभी फिर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कल घोषणा की गई, जो हमारा होम गृह मंत्रालय है उसने लॉकडाउन को फिर आगे के लिए बढ़ा दिया, 14 दिन के लिए फिर एक्सटेंड किया है। तो ये अब 31 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमें कुछ रियायतें भी दी गई। डेमोग्राफिक एरिया के आधार पर पूरे देश को 5 जोन्स में अब बांटा जाएगा। अभी तक पिछले 3 लॉकडाउन में हम 3 जोन में देश को विभाजित कर रहे थे, इस बार हम देश में 5 जोन की प्रणाली में आ गए हैं। तो पूरे देश को 5 जोन में डिवाइड किया जाएगा। उन 5 जोनों के लिए अलग अलग गाइडलाइन पर्टिकुलर राज्यों की सरकारें बनाएंगी। केंद्र ने एक मुख्य गाइडलाइन कल जारी की, जिसमें विशेषता के साथ किस चीज़ को लॉकडाउन को बढ़ाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर, हैंड वॉश का यूज़ करना, ये सब चीज़ों को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ आने वाले समय में आप ट्रेन, बस या एरोप्लेन में कहीं भी यात्रा करें तो वहाँ आरोग्य सेतु का इस्तेमाल कंपलसरी किया गया है। अगर आपके पास आरोग्य सेतु नहीं होगा तो आपको यात्रा से बाधित किया जा सकता है या आपको यात्रा करने से रोका जा सकता है, और वहीं आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास नहीं भी है तब भी पहले आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड करना, तभी आप ट्रेन में जा पाएंगे या फ्लाइट में जा पाएंगे। बसों में भी यही पैटर्न आगे जारी होगा। तो लॉकडाउन को कितने समय के लिए अभी बढ़ाया जाएगा, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। अभी तो हमारे पास 31 मई तक का समय है। इस समय के दौरान आप जब भी घरों से बाहर निकलें, आपके यहाँ आपके क्षेत्र में अलग अलग गाइडलाइन जारी होंगी, राज्य सरकारें घोषणा करेंगी। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रात को 8 बजे आएंगे, जनता से रूबरू होंगे और घोषणाएं करेंगे, उस लॉकडाउन के लिए अपनी घोषणाएं करेंगे या जो उन्होंने नीति बनाई है इस 14 दिन के लिए उसको प्रदेश के सामने रखेंगे। उन नीतियों को हमें पालन करना है, शासन के दिए निर्देशों का भी पालन करना है। उसके साथ हमें अपनी डेली लाइफ में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब हमें अपनी आदतों को लगातार बदलना होगा। जी हाँ, जैसे हम 22 मार्च के पहले जो जीवन शैली हम जी रहे थे उसमें अब बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। अब हमें 2 गज की दूरी, जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज की दूरी, इस नियम का बखूबी पालन करना होगा। यह नियम अब हमें कितने समय पालन करना है इसकी कोई समय सीमा नहीं, इसको हमें अपने जीवन का अंग बनाना होगा। क्योंकि कोरोना तो ठीक है, इसके बाद भी और भी संक्रामक रोग हैं जो छूने से फैलते हैं, उनको भी इसमें काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बाकी कोरोना के लिए तो ये अमृत बाण है, हमने देखा है बाकी देशों की तुलना में विश्व में आज कोरोना की क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है। तो आपको 2 गज की दूरी, इसको बाकायदा अपनाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, समय समय पर लगातार हाथों को अच्छे तरह से धोना है, रगड़ रगड़ कर साफ करना है, किसी भी कोने को नहीं छोड़ना है। अगर आप इन 2 चीज़ों का सही ढंग से पालन करते रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और हमारा प्रदेश और देश भी सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा हम देश के लिए और कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। जब बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, घरों में ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आप कोरोना संक्रमण रोग से बच सकते हैं और हमारा देश जैसे अभी स्थिति में है उसी स्थिति में रह सकता है। आने वाले कुछ समय में इसकी वैक्सीन्स बन जाएंगी, दवाएं आने लगेंगी, तब हम इस पर प्रॉपर रूप से काबू कर लेंगे। तब तक के लिए हमें इन 2-3 नियमों को पालन करना है और अपनी लाइफ स्टाइल को इसी बेस पर जीना पड़ेगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को धोना और अनावश्यक कार्यों के लिए बाहर नहीं जाना, आवश्यक हो तभी बाहर जाना। और गाइडलाइन की एक और प्रमुख बात आपने देखी होगी जो कल MHA ने जारी की है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से निकलना बाध्य किया गया है। मतलब कर्फ्यू की स्थिति रहेगी या आपको घरों से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी होने पर या अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा
जो गाइडलाइन है उसको आपने सभी ने देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत जल्दी ऑर्डर सर्कुलेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शादी समारोह होंगे, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 50 लोगों के साथ शव यात्रा या मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है उस दौरान 20 लोग से अधिक उसके फ्यूनरल में शामिल नहीं हो सकते। इसी तरह स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और स्कूल कॉलेजों को 31 मई तक ही अभी बंद किया गया है। आज आपने देखा होगा एक और सर्कुलर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें CBSE ने अपनी बाकी की बची हुई 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 जुलाई से प्रारंभ की है। 1 जुलाई से CBSE अपनी 12वीं की बचे हुए पेपर और जो दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कैंसिल किए गए पेपर थे उनको कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब चीज़ें अपडेट हैं जिनके साथ हम आपके सामने उपलब्ध हैं। और भी जो कोई अपडेट होगी रात 8 बजे शिवराज सिंह चौहान जी के उद्घोषण के बाद हम आपके सामने फिर आएंगे, उस उद्घोषण में जो आपके लिए बताया गया है उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए